मेरा थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज कुछ सेकंड होल्ड करें, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। हाँ अभी 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 क्लियर है जी, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके राइट, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा था, सो दैट्स व्हाई आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो तो अभी ऑलमोस्ट हमारे सारे टेक्निकल ग्लिच सॉल्व हो चुका है। और गाइज मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, नाम मेरा नीलेश है जी, बाई एजुकेशनल प्रोफाइल मैंने इंजीनियरिंग किया और अभी मैं बहुत ही अच्छे रेपुटेड प्रोफाइल पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ डेयरी इंडस्ट्री के अंदर अंदर, और बाय नेटिवली, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे दोस्त आते हैं जो कहते हैं कि सर आप अपने लोकेशंस के बारे में जरूर बताया करें। तो माय डिफेंस मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, बाय नेटिवली मैं पटना से हूँ, पटना के पास में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। तो बेसिकली मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ बिहार से, और इंजीनियरिंग करने के लिए मैं पंजाब आ गया, और पंजाब के अंदर मैंने पंजाब से मैंने इंजीनियरिंग करी और बहुत ही अच्छे रेपुटेड प्रोफाइल पे मुझे जॉब भी मिल गया, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट नहीं था, बट हाँ अच्छे से पढ़ लिया तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छे से हो गया, जॉब भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा जॉब भी मिल गया मुझे, एंड ओवरऑल आई एम द गेट क्वालिफाइड। एक ग्रेजुएट टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग होता है इंजीनियरिंग के बाद में, तो ये जो भी बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं ना तो वो मतलब अपने स्ट्रीम में एक बहुत वेल रेपुटेड उनकी प्रोफाइल उनका उनका बैकग्राउंड माना जाता है। तो आई एम ऑल्सो गेट क्वालिफायर, मैं गेट, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे यार तू इतना बड़े प्रोफाइल पे होने के बाद तू नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहा है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहा हूँ, राइट। तो एक बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है मेरा, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, और उसके बाद मैंने जॉब के अंदर अंदर भी जॉब में भी इतना पैसा कमाता हूँ जो एक एवरेज लोगों का सपना होता है, एवरेज लोगों का सपना होता है। तो मैं उतना पैसा ऑलरेडी मैं जॉब में कमाता हूँ, उसके बाद फिर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का क्यों मौका मिला, क्या रीजन रहा है, छोटी छोटी आइडिया मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं एक बार सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग भी कैमरा ओपन कर सकते हैं प्लीज ओपन योर कैमरा, बिकॉज दिस इज नॉट ए गेस्ट न्यू गेस्ट मीटिंग। सो मैं एक एक पर्सन का फेस देखना चाहूंगा, और आपको पता ही है कि जब फेस का एक्सप्रेशन जब सामने आता है तो वोल्टेज और जो एक्साइटमेंट लेवल है वो ऑटोमेटिकली पीक पे होता है, राइट। सो समस्तीपुर से कुछ दोस्त कह रहे हैं, समस्तीपुर से हैं कुछ दोस्त कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, सो यू ऑल आर वेलकम जी, मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। और आज के सेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया, आज के सेशन के बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि गाइज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो मेरी शुरुआत हुई है बहुत छोटे लेवल से शुरुआत किया मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, और ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में लोग छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने जॉब के साथ आप अपने स्टडी के साथ थोड़ा सा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहां से आप अपने पीजी का खर्चा, आप अपने नॉर्मल मोबाइल के खर्चे, आप बाहर के फूड के खर्चे, ये छोटी 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 चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैंने प्रोफाइल को जब देखा, जब नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, इसी छोटी छोटी इनकम के वजह से मैं आया था कि भाई मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट ओवरऑल हुआ क्या, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा, जब मैं इस इंडस्ट्री की पावर को समझा, तो मुझे लगा कि यार जो मैं इनकम ले रहा हूँ वो बहुत छोटी इनकम है,
जो मैं जॉब में ले रहा हूँ या जॉब में जो लोग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक एक मेरे हिसाब से एक ड्रीम पैकेज, मेरे हिसाब से जो पैकेज है सपोज 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, 40 लाख पैकेज मतलब 40 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया जी, 3.5 लाख रुपए महीने का। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है सर, आई डोंट नो, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को होस्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ ऐसा हो तो इस इंडस्ट्री को देखा, इस इंडस्ट्री को समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी ड्रीम इनकम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में है, उतना तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं, उतना तो यहाँ पे ऐसे लोग ले रहे हैं जिसको जिनका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिनका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो लोग भी इस टाइप की इनकम ले रहे हैं, वो लोग भी इस टाइप की बिजनेस, इस टाइप की इंजॉयमेंट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। तो भाई मैं तो इस इंडस्ट्री में आऊंगा, एक एक चीज को समझूंगा, एक एक चीज को देखूंगा, तो मैं तो शायद बहुत बड़े स्केल पे अपने आप को बिल्डअप कर लूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी, ये सारा का सारा मेरा फिनोमेना था, एक एक चीज को समझने का, देखने का, तब जाके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशंस पीएम इंटरनेशनल को देखने का मौका मिला। पीएम इंटरनेशनल को देखा इससे पहले लगभग 1.5 ईयर का मेरा बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। पीएम इंटरनेशनल को देखा, पीएम इंटरनेशनल को जाना, समझा, फिर मुझे लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अपना कैरियर बिल्डअप कर सकता हूँ। और कैरियर बिल्डअप करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे हमें देखना पड़ता है, जिसको हमें चेक करना पड़ता है, जिसको हमें समझना पड़ता है, राइट। वो सारे पैरामीटर को मैंने समझा, सारे पैरामीटर को मैंने देखा, और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में निलेश, तो यदि अपना 5 साल दे दिया शिद्दत से, एक होता है 5 साल किसी भी इंडस्ट्री को देना कि जस्ट आई एम डूइंग ओवर हियर फॉर ए कपल ऑफ रुपीज और फॉर जस्ट सम टाइम जस्ट टाइम पास, नो, सिद्धत से मतलब सिद्धत से दिल और दिमाग अंतरात्मा से वहां पे दे दिया निलेश 5 साल में, तो शायद तो इतना इनकम ले सकता है, शायद इतना बढ़िया तेरा बैकग्राउंड हो सकता है, शायद इतना बढ़िया तेरा सोशल जो सोशल रेपुटेशन होता है वो हो सकता है, जो कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर तेरा कभी भी पॉसिबल नहीं। तो ये सारी चीजों को देखने, सोचने, समझने के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैंने स्ट्रांगली डिसीजन लिया। एक होता है कि स्ट्रांगली मेंटल और एक होता है मेंटली स्ट्रांग। तो मैं दो चीजों पे बात करता हूं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, स्ट्रांगली मेंटल नहीं हूं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूं। तो मेंटली स्ट्रांग होने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अंदर अपना एक एक चीज को मैंने देखा, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन आज इतना लिया कि आज इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए रेपुटेड प्रोफाइल, एक पीएम इंटरनेशनल के अंदर एक लेवल होता है एज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, मैं एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर इस इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म कर रहा हूं, इस कंपनी के अंदर परफॉर्म कर रहा हूं, जो कि इंडिया में बड़े सेलेक्टेड है। इंडिया में हार्डली 5 से 7-8 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर है, जिसमें से मैं आपके सामने एक छोटा सा बच्चा जो इस इंडस्ट्री को आज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसके पीछे बहुत सारे, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आज हजारों कंपनीज है, हजारों नहीं लाखों कंपनीज है, लाखों का 6 लाख से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है आज पूरे ग्लोब में आप देखेंगे तो। इंडिया में करीब करीब 500 से ज्यादा इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, बट हम किस कंपनीज में जाए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आज आप देखेंगे लगभग एक महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले कुछ इंडस्ट्रीज ने, सॉरी कुछ यूनिवर्सिटीज ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो वो बच्चे बहुत प्रोफेशनल्स होंगे, उनको सारी कहानी पता होगा, उनको सारा सिस्टमेटिक पता होगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में किस टाइप की कंपनी अच्छी होती है, किस टाइप की कंपनी बुरी होती है, क्योंकि हर 2000 का नोट बुरा नहीं होता, हर 2000 का नोट नकली नहीं होता। तो सेम ये इंडस्ट्री है, लेकिन ये भी मानना बहुत जरूरी है कि हर 2000 का नोट ओरिजिनल भी नहीं होता, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग वही 2000 का नोट है, लेकिन इसमें कुछ 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 ऐसे भी कंपनीज आ चुकी हैं जो कुछ टेम्पररी इनकम के लिए लोगों को झांसा देते हैं, लोगों को दिलासा देते हैं, लोगों को एक चॉकलेट टाइप का एक स्कीम देते हैं कि भाई ये लो लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप है ना, 60-70 रुपए का, 80 रुपए का, मुंह में डाला मीठा हो गया भाई, चल बंदा खुश हो गया, तो लॉलीपॉप उसको देते हैं। तो लॉलीपॉप टाइप की कंपनीज कौन सी होती है, एक वेल रेपुटेड कंपनीज कौन सी होती है, ये सारे पैरामीटर्स है हमें अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करने का। लेकिन आज मैं आप लोगों से ये सब टाइप की ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम नए बच्चे, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं ना, दो तरीके के लोग आते हैं, एक आते हैं बाई चांस और एक आता है बाई च्वाइस। मेरी बातों को नोट डाउन करिएगा आप सभी लोग, अपने डायरी पेन रख के और आज मेरे साथ बैठिए, मैं आधे घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सेशन इन माय पीएम कैरियर। मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को, राइट, आधे घंटे के अंदर अंदर। सो
प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट आई वॉन्ट टू सी योर ऑल डायरी और पेन, जो भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए, मैं सभी का एक बार डायरी पेन देखना चाहूंगा, तभी मैं आज सेशन को आगे बढ़ाऊंगा. जस्ट आई वॉन्ट टू सी योर डायरी एंड पेन, देन मैं आज के सेशन को आगे कंटिन्यू करने वाला. राइट, वेल वेल वेल, एक पर्सन इस्तदीप जी, वेल जी, थैंक यू सो मच. कहा जाता है कि लीडर वही जो विजेता, वही जो विजेताओं की कदर करे. कौन? विजेता वही जो विजेताओं की कदर करे. तो विजेताओं की कदर, इट मींस कि जस्ट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कि जस्ट आई वांट टू सी योर डायरी एंड पेन. तो आप मुझे दिखा रहे, इट मींस कि जस्ट यू आर रिस्पेक्टिंग योर सीनियर, जस्ट यू आर रिस्पेक्टिंग योर ट्रेनर. राइट, तो मैं सभी का देखना चाहूंगा. एक रवीन जी हैं 05, उन्होंने अपना ऑन किया. नवीन कुमार जी, वेल वेरी गुड. मोनिका मैम, वेल वेरी गुड. एंड रवि कुमार, वेल वेरी गुड. जाहिद जी, वेल. इमरान, वेल. और साम्या, आई थिंक समथिंग कुछ नाम है. असलम जी, वेल वेरी गुड. मुकुल कुमार, गुड. आयुब, वेरी गुड. दीपक जी, गुड. सुस्मिता, वेरी गुड. ऑल द बेस्ट. सो मैं कुछ लोगों का नाम लिया जो आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि, देखो कहा जाता है, मैंने दोबारा बोला, विजेता वही जो विजेताओं की कदर करे. राइट, तो आप सभी यहाँ पे विनर बनने वाले हैं, आप सभी यहाँ पे चैंपियन बनने वाले हैं. मैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमपिता परमेश्वर, सबसे यही प्रार्थना करके, हाथ जोड़ कर मैं निवेदन करूंगा कि आप सबको इस दुनिया की जो भी सुप्रीम लेवल है इस वर्ल्ड की मार्केट की, कुछ लोग कह रहे हैं लाइट नहीं है, नॉट एन इशू, ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो कंफर्टेबल हैं, जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. कुछ लोग कंबल में बैठ के लाइट ऑन मत कर, कैमरा ऑन मत कर लेता. सो एनीवे, तो आज के सेशन के बारे में मैं थोड़ा सा हिंट आप लोग को दे दूं. मैं आज आप लोगों से बात करूंगा टॉप यूएसपीज ऑफ पीएम इंटरनेशनल और टॉप यूएसपीज ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी और वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज. राइट, तो आज मैं पीएम इंटरनेशनल के कुछ टॉप यूएसपीज के बारे में बात करूंगा. यूएसपीज मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसपीज? यूनिक सेलिंग पॉइंट. मतलब देखो, पीएम इंटरनेशनल इज नॉट ए लाला छाप कंपनी कि भाई यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, दाल चावल आटा नमक तेल हिंग हरदी सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा. PM International is the well-reputed organization. They are working at particular as a predefined parameters. मतलब PM International एक ऐसी कंपनी है जो predefined parameters पे काम कर रही है. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, वो कस्टमर ने इमली मांगा. कस्टमर ने क्या मांगा? इमली. इमली मतलब, इमली नाम सुनते ही मुंह में किस लोगों को पानी. उस कस्टमर ने इमली मांगा, तो हमने एमडी को बैठा, यार उस बंदे ने इमली मांगा, अब लो भाई इमली भी लगा दो. अच्छा, उस कस्टमर ने तेल मांगा, वो भी कौन सा? सनफ्लावर तेल. अच्छा, लो भाई ये सनफ्लावर तेल. तो पीएम इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी नहीं है. पीएम इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स है और ऑलरेडी प्री डिफाइंडेड पैरामीटर्स है. क्या है जी? प्री डिफाइंडेड पैरामीटर्स. मतलब इसी पैरामीटर पे पीएम इंटरनेशनल एक करोड़ का भी काम कर रही थी और आज 15,000 करोड़ का भी काम कर रही है इसी पैरामीटर पे. They all are predefined. यहाँ पे कुछ नहीं है कि भाई मैं एक लीडर हूँ या मैं एक सो कॉल्ड लीडर हूँ. आई एम नॉट अ लीडर, आई एम सो कॉल्ड लीडर. जस्ट एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं कंपनी मैनेजमेंट को बोलता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा कर दो और मैनेजमेंट मेरी बात सुन ली. ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे. राइट, तो आज मैं टॉप यूएसपीज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा. सो यू ऑल आर रेडी? रेडी है? चैट बॉक्स में रेडी टाइप करें. वेल 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 वेल, मैं आप सभी लोगों का रेडी मैसेज देखना चाहता हूँ. 90+ पीपल आज यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं. मैं एवरी बॉडी का 90 मेरे यहाँ पे मिनिमम रेडीज होने चाहिए. वेल वेल वेल, सो मेनी पीपल, यू ऑल आर एक्साइटेड. मजा आने वाला है आज के सेशन को. तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी ये स्लाइड सही है या ये वाला स्लाइड सही है? पहले वाला सही था या अभी वाला सही है? 1 और 2, पहले वाला सही था या अभी वाला सही है? पहले वाला सही था, अभी वाला सही है? 1 पहले वाले के लिए, अभी वाले के लिए 2. मेरा स्लाइड अभी प्रॉपर 2, इट मींस कि अभी वाला सही है. 1, कुछ लोग का 1 भी आ रहा है, कुछ लोग का 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है. इट मींस कि मैं एक बार, अच्छा कुछ लोग का 1 आ रहा है. हाँ, अभी अब ये बताइए, अब ये सही है? क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा दिखेगा. और मैं आप सभी को बोलूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मोबाइल फोन से इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, वो प्लीज अपने फोन को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर लीजिए. फोन को ऐसे पकड़ लीजिए, फोन को ऐसे रख लीजिए, तो और भी अच्छा दिखने वाला है. तो आज गाइस मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में आप लोगों से बताने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनी के बारे में आप लोगों से जानकारी देने वाला हूँ जो कि हिंदुस्तान के अंदर अभी जस्ट बिगिनिंग करी है. क्या करी है जी? जस्ट बिगिनिंग करी है हिंदुस्तान के अंदर. ये कंपनी आज पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में लगभग 28 सालों से काम करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर आगाज हो चुका है. और हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने काम करना शुरू कब किया है? मेरे बहुत सारे दोस्त अभी फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं. हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने काम करना कब शुरू किया है? जस्ट 1 महीने पहले. ओई होई 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 होई,
कई लोगों का ये लग रहा होगा, यार तुम तो बातें कर रहे हो, तुम तो 2 साल से काम कर रहे हो, 1 साल से काम कर रहे हो, 1.5 साल से काम कर रहे, लेकिन अभी तुमने बताया कि भाई तुम तो 1 महीने पहले। हाँ आपने बहुत सही सुना, बिकॉज पीएम इंटरनेशनल आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद 1 महीने पहले, इट मीन्स कि अगस्त 2021 से ऑफिशियल लॉन्च हुई है हिंदुस्तान के अंदर, ऑफिशियल लॉन्च हुई है हिंदुस्तान के अंदर, राइट। एक ऐसे वेल रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे वेल रिपोर्टेड कंपनी जो कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रही है, ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा रही है, और आज हिंदुस्तान के अंदर आगाज हो चुका है, और हिंदुस्तान के अंदर 1 महीने पहले यह कंपनी लॉन्च हो गई है ऑफिशियल, राइट। मैं कुछ टॉप यूएसपीज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से कंपनी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को चेक करने से पहले, किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करने से पहले 3 पैरामीटर को देखना बहुत जरूरत है। प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्लान, और तीसरा होता है पे आउट। प्रोडक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो मनी रोटेशन कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में एक सॉलिड प्रोडक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बहुत सारे लीडर से मैं मिलता हूं, वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, इट मीन्स कि वो आपको पागल बना रहे, वो आपको बेवकूफ बना रहे। इट मीन्स कि यदि बिजनेस में आपका प्रोडक्ट नहीं है, इट मीन्स कि वो बिजनेस स्कीम और स्कैम की तरह काम करने वाली है। आज टाटा को आप क्यों जानते हैं? नमक की वजह से, कुछ लोहे के प्रोडक्ट की वजह से। बाटा को क्यों जानते हैं? सूज की वजह से। मैकडी को क्यों जानते हैं? पिज्जा बर्गर की वजह से। केएफसी को क्यों जानते हैं? चिकन की वजह से। रिलायंस को क्यों जानते हैं? सीम की वजह से या पेट्रोल की वजह से, कुछ भी एक्स वाई जेड। मतलब आज कोई भी इंडस्ट्री यदि टॉप पे पहुंची है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट। तो आज हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड के टॉप ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और जिसका मैं सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है कि वी आर, यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं कि हमने क्या बोला, एक्सपीरियंस द रिजल्ट, और आज हम लोग पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में, माय डियर फ्रेंड्स, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में, यहाँ पे 26 साल लिखा हुआ है बिकॉज ये 1 साल पुराना डेटा है, आज हम 27 साल प्लस की इंडस्ट्री हम बन चुकी है, और एक ऐसे इंडस्ट्री जिसका आज पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में कितनी रेटिंग है जी, AAA+ की रेटिंग है। क्या रेटिंग है जी? AAA+। आज मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कंपनी बेस्ट है, मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि मेरी कंपनी बेस्ट है। बहुत आज हिंदुस्तान में बहुत ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जो ये कहती है कि भाई मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी हूँ, गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, एक्स वाई जेड कंपनी का, बट सॉलिड डेटा क्या है? वो क्या है? वो एक तरीके का ब्लॉग है, आप और हम कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन, एक सॉलिड डाटा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही आपको दे सकता है, जो कि आज पीएम इंटरनेशनल के पास जितने भी डेटा है वो 100% सॉलिड एंड वेल एंड प्रूफ डेटा है। तो आज जो भी कंपनी, आज पीएम इंटरनेशनल के पास एक AAA+ की रेटिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AAA+? अब AAA+ का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, एक एग्जांपल कि भाई आप अपने एग्जाम में, आप 10th क्लास का एग्जाम देते हैं, 10th क्लास में यदि आपको 60 प्लस मार्क्स आ गया, आपको क्या रेटिंग मिलता है? ए। 70 से ऊपर मिल गया, क्या होता है? AA। 90 के आसपास चले जाते हैं तो क्या मिलता है? AAA। उसके बाद 95 से ऊपर जब आप चले जाते हैं तो AAA+, AAA++, AAA++++। मतलब इस तरीके की ग्रेडिंग होती है। जब भी कोई पर्सन यदि CBSE से पढ़ के आया होगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ये रेटिंग कैसे होती है। तो आज जब आप 99.9% जब आप स्कोर करके लेके आएंगे, तब जाके इस तरीके की क्रेडिटिबिलिटी आपको मार्केट से मिलती है, तब इस तरीके की कोई वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरीके की कुछ परिभाषा या इस तरीके की कुछ डेफिनेशन आपके लिए डिफाइन करती है कि भाई आपके लिए ये डेफिनेशन है, राइट। तो आज हम एक ऐसे कंपनी है जो पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट ने हमें AAA+ की रेटिंग दिया हुआ है, और ये डन एंड ब्रेडशीट एक ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में कभी भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे को होस्ट दोस्त, मेरे चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन एंड ब्रेडशीट, कभी भी टाइम मिले, मौका मिले, जाइए इस इंडस्ट्री को चेक करिए, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सी इंडस्ट्री है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर या स्पेशली पीएम इंटरनेशनल को AAA+ की रेटिंग दी हुई, इसकी क्या हैसियत है, आप जाके इसके बारे में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई आपने तो ये बता दिया, ठीक है भाई आपके आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, वेल रेपुटेड है, लेकिन अब उससे मुझे क्या मतलब? भाई मैं तो ठीक है, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो काम करूंगा अपने प्रोडक्ट के साथ। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट के अंदर सेकंड नंबर लाइन आप देखिए, मैक्सिमम सेफ्टी, क्या है मैक्सिमम सेफ्टी की गारंटी आपको कौन लेता है? यहां पे क्लियर लाइन देखिए, मैक्सिमम सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू द इंडिपेंडेंट टेस्ट क्वालिटी
by TUVSUDE laboratory, more information, just you have to click over here. मतलब क्या है इसका? ये मतलब है गाइस कि आज आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आज आपको पीएम इंटरनेशनल आपके घर पे या आपके लिए लेके आती है, वो सारा का सारा प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है TUVSUDE लैब। ये यूरोप की एक बहुत बड़ी लैब है जो कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट को टेस्ट करती है। सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि ये हमारा प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोडक्ट पे एक बारकोड लगा रहता है, जो बारकोड ये प्रोडक्ट की गारंटी करती है कि भाई ये प्रोडक्ट 100% आपके लिए सेफ एंड सिक्योर है। आज मार्केट में बहुत सारे कंपनीज अवेलेबल है जो कि बोल देंगे कि भाई अच्छा ये प्रोडक्ट 3000 है, ये सेम मैं आपको 300 रुपए का दे दूंगा, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मेरे पास एक ओमेगा है, ये देखिए ओमेगा लगभग इसकी एमआरपी कितना है, 3000 रुपए जैसा है इसका एमआरपी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट इतना ही होगा, कितने का है, 3330 रुपए का उमेगा है, 3330 रुपए का, लगभग 40 से 50 दिन का ये डाइट है। आपको मार्केट में उमेगा 100 रुपए का 100 टैबलेट मिल जाएगा, मतलब 1 रुपए का 1 टैबलेट। लेकिन क्या वो हमारे बॉडी के लिए सेफ एंड सिक्योर है? कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी एजेंसीज है जो उसकी प्रोडक्ट की गारंटी लेती है? नहीं। आप खाओगे, आपको फायदा हो गया, वेल एंड गुड, नुकसान हो गया, आपका हेल्थ गया। तो इस तरीके की कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंसी जिस तरीके की सर्टिफिकेशंस गारंटी नहीं लेती है, बट आज पीएम इंटरनेशनल हमारे सारे प्रोडक्ट की 100% गारंटी लेती है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है TUVSUDE लैब, राइट? तो सबको समझ में आया सेकंड पॉइंट? थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब कुछ कंपनी ऐसे कहती है कि आज आप लोगों ने बहुत बार देखा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी XYZ, कोई भी XYZ पंगा हुआ, किसी भी कंपनी के साथ कोई पंगा हुआ, कुछ भी स्ट्रगल्स आए कि भाई कंपनी ने किसी पे कंपनी पे किसी ने केस कर दिया, कुछ भी XYZ ऐसा हुआ, अब पता चलता है कि अगले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कंपनी शट डाउन, लो भाई लॉक, कंपनी क्या हो गई जी, लॉक, कंपनी बंद हो गई। क्यों? वैसी कंपनी कौन सी कंपनी बंद होती है माय डियर फ्रेंड्स? ये वो कंपनी होती है जिसके पास 100% ऑथेंटिकेट डेटा नहीं होता है, ये मैक्सिमम वो कंपनीज होती है, राइट? बट आज मेरा थर्ड लाइन पढ़िए, देखिए मैं आज आप सभी से यहाँ पे एक प्रॉपर डिटेल्स, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पे थर्ड लाइन पढ़िए, द लीगैलिटी और लीगैलिटी कंफर्म्ड मार्केटिंग प्लान बाय रीजनल हाई कोर्ट फ्रैंकफर्ट जर्मनी। मतलब क्या? एक ऐसा मार्केटिंग प्लान जो कि जर्मन हाई कोर्ट से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब हम कितना सेफ एंड सिक्योर है माय डियर फ्रेंड्स? मतलब गलती से, गॉड ना करके कभी ऐसा कुछ होता है मेरे कंपनी पे या इसके पीएम इंटरनेशनल के मार्केटिंग प्लान पे, कोई भी XYZ, कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट, कोई बंदा आता है और ये कहता है ये कंपनी स्कैम कर रही है। देखिए बातें दिल से होनी चाहिए और बातें 100% ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। आज मेरी बातों को आप नोट डाउन करिए। कोई XYZ बंदा आता, सपोज मेरे टीम में आज हमारे टीम में बहुत कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमारे टीम से बाहर गए हैं, कुछ भी, देखिए ये आना जाना लगा रहता है। सपोज एक एग्जांपल कि मेरे टीम से एक बंदा बाहर गया है, पीएम इंटरनेशनल के अंदर वो अपने आप को एक बहुत अच्छा लीडर मानता था, लेकिन दे ऑल आर सो कॉल्ड लीडर, वो लीडर के नाम पे गिदड़ थे, मैं ये मानता हूं और 100% होशो हवास में ये बातें कह रहा हूं। अब क्या होता है कि कोई भी XYZ बंदा मेरे सिस्टम से बाहर निकलता है और किसी भी कारणवश मेरे सिस्टम पे एलिगेशंस डालता है कि भाई ये कंपनी स्कैम कर रही है, एलिगेशंस डाल दिया उस बंदे ने। अब एलिगेशंस डालने के बाद क्या होता है कि वो केस जाता है कोर्ट में, और जैसे कोर्ट ने ये लाइन देखा, मेरी बात को बड़े अच्छे से समझिएगा, जैसे कोर्ट ने ये लाइन देखा कि भाई पीएम इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान ऑलरेडी कंफर्म्ड बाय द जर्मन हाई कोर्ट फ्रैंकफर्ट, अभी जैसे ये लाइन देखा तभी वहां पे अपना जो केस होता है वो डिसमिस हो जाता है कि भाई ये ऑलरेडी कंपनी बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, नमस्ते है जी, आपने इतना हमारे पास आने की कष्ट करी तो इसके लिए शुक्रिया और आप अभी जा सकते हैं। ये 100% वेल एंड प्रूफ सॉलिड कंपनी है और इसको कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये ऑलरेडी सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स ये जर्मन हाईकोर्ट को पहले ही अप्रूव करवा चुकी है, पहले ही अपनी क्रॉस चेक करवा चुकी है, इसका जजमेंट डेट भी है, जिसने भी आपको इन्वाइट किया है आप उससे जजमेंट डेट, जजमेंट आर्टिकल नंबर तक आप ले सकते हैं। बताइए कौन सी ऐसी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कौन सी ऐसी हिंदुस्तान में कंपनी है जो इस तरीके से बात करती है, बताओ जरा। आज मैं ये डेटा रिकॉर्डेड है, मैं कोई ऐसे किसी 1-2-5 बंदे के सामने बात नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे हजारों लोग देख सकते हैं, लाखों लोग देख सकते हैं बिकॉज ये मेरा सेशन लाइव चल रहा है फेसबुक पे। भाई कौन सी ऐसी कंपनी है मुझे बताओ हिंदुस्तान में आज 6 महीने, हाँ जैसा 6 महीने जैसा हुआ था, एक कंपनी पे एलिगेशन लगी, 15,000 करोड़ कंपनी घपक, 1500 करोड़ कंपनी ने घपला कर लिया
अब पता है कंपनी कितना दिन शटडाउन रही है, करीब करीब 4-5 महीने कंपनी शटडाउन रही है, और उसको ये प्रूफ करने में लग गया है कि नहीं मैं गलत नहीं मैं सही हूं, और आज तक वो कंपनी प्रूफ नहीं हुआ है, आज तक वो कंपनी कुछ क्लीन चिट नहीं मिला है, हजारों लोग उस कंपनी में बर्बाद हो गए, हजारों लोग उस कंपनी में उनका करियर बर्बाद हुआ, हजारों लोग ये छोड़ के चले गए कि नहीं यार कंपनी स्कैम कर रही है, बेशक वो स्कैम है नहीं है डज नॉट मैटर, स्कैम है लेकिन प्रूफ करने में कितना टाइम लगेगा मुझे बताइए, प्रूफ करने में उसको कितना टाइम लगेगा, अभी तक 6-8 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसको क्लीन चिट नहीं मिला है, और क्लीन चिट गॉड नोस कि क्लीन चिट उसको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो वो कोर्ट जाने और वो एम्बेसी जाने या वो अपना लॉ जाने, वो हम यहाँ पे कोई एडवोकेट नहीं है, वकील नहीं जो हम फैसला करें, बट मार्केट सिनेरियो तो देखिए, मार्केट सिचुएशंस तो देखिए कि भाई इस तरीके से भी चीजें हो सकती है, बट ये सब टाइप की चीजें आपके साथ कभी भी नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, और ये मैं क्या लिख के दूं, कंपनी आपको लिख के दे रही है जी, जजमेंट डेट आर्टिकल नंबर कोई भी कभी भी किसी को भी चाहिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको डेटा दे सकता हूं, अदरवाइज जिसने भी सीनियर ने आपको इनवाइट किया है वो आपको दे सकते हैं, मैं देख रहा हूं यदि कहीं आपको इधर मिल जाए तो मैं आपको दे भी दूंगा, एनीवे अभी नहीं है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा फिर। चौथा, अब बात आता है कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, भाई ठीक है निलेश जी आपने मार्केटिंग प्लान की भी बातें कर ली, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के भी बारे में बातें कर, लेकिन वो प्रोडक्ट सच में मेरे बॉडी पे कितना काम करता है, तो उसके लिए उसके क्योंकि देखिए कहा जाता है कि एक एग्जाम में मैं खाली मैथमेटिक्स में आई एम द वेरी गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, आई एम द वेरी गुड स्टूडेंट इन साइंस ऑल्सो, तो यदि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूं, मैं साइंस में बहुत अच्छा हूं, इंग्लिश में 0 नंबर लेके आ रहा हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, हिंदी में 0 नंबर लेके आ रहा हूं पास हो जाऊंगा, नो, संस्कृत में 0 नंबर लेके आ रहा हूं पास हो जाऊंगा, नो, मतलब क्या है कि आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट में मिनिमम 33% प्लस लेके आना चाहिए, और यदि आप लेके आ रहे देन यू कैन मतलब तब आप जाके उस एग्जाम में, उस पर्टिकुलर एग्जाम में आप पास हो सकते हैं, अदरवाइज यू कैन फेल, यू मस्ट बी फेल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और मस्ट बी फेल इन दिस एग्जाम्स, राइट। तो आपको क्या है, अब हम चौथे पॉइंट्स पे आते हैं, मतलब क्या है कि भाई एक और बढ़िया इन्होंने खूबसूरत लाइन जोड़ दिया, योर यहां पे क्या है, बड़े एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा, यू एक्सपीरियंस द यूनिक रिजल्ट, मैं बड़ा जबरदस्त लाइन पढ़ रहा हूं, आप समझिएगा, You experience unique result through safety. एक line है बहुत important. Safety and highest quality granted. क्या बोल रहा हूं word? Granted. मतलब एक company आपसे guarantee कर रही है, और ये मेरा document नहीं है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये मेरा document नहीं है जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, ये company के अपने original website पे ये documents added है जहां से आप जाके download कर सकते हैं। तो कंपनी क्या कह रही है कि भाई हम आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की एक्सपीरियंस की गारंटी करते हैं, और वो भी कैसे, एक्सक्लूसिव न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट, मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट, एक ऐसा यूनिक प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स जो कि पूरी वर्ल्ड मार्केट में हमारा पेटेंटेड है, मतलब आज हम आपको प्रोडक्ट की रिजल्ट की गारंटी करते हैं विद द हेल्प ऑफ NTC न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज दैट, ये कौन से चिड़िया का नाम है जो आप NTC बताने लग गए यार, हाँ अब ये क्या है, क्योंकि आज वर्ल्ड मार्केट आपसे गारंटी करती है मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट, अब ये भी मैं भी बोलने लग गया तो उनमें और मेरे में अंतर क्या हो गया भाई, उनमें और मेरे में अंतर क्या हो गया, तो उनमें और मेरे में अंतर यह है माय डियर फ्रेंड्स कि आज हम बोलते नहीं है मेरा प्रोडक्ट बोलता है, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी भी ट्रेनिंग में जाता हूँ, कहीं पे भी किसी भी पर्सन से मिलने जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ मैं कुछ नहीं करता, ये प्रोडक्ट निकालता हूँ, पिलाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ और फिर मैं बैठ जाता हूँ, फिर सामने वाला बंदा अरे यार मेरे से तो ऐसा हो रहा है, बस मेरा काम हो गया, एक्सपीरियंस द रिजल्ट, नॉट वर्बलाइज, बोल के नहीं, एक्सपीरियंस द रिजल्ट, और रिजल्ट एक्सपीरियंस कैसे करना, जब आप प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, तो आप किसी भी पर्सन को प्रोडक्ट टेस्ट करवाइए विद इन 5 टू 10 मिनट, माय डियर फ्रेंड्स आप इस प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, फील कर सकते हैं आप हमारे प्रोडक्ट को जी, ओनली 5 टू 10 मिनट विद द हेल्प ऑफ NTC न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड मार्केट में ये कॉन्सेप्ट आज हमारा पेटेंटेड है, पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड की मार्केट न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, किस पे काम कर रही है, न्यूट्रिशन पे, लेकिन PM इंटरनेशनल एक ऐसी इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूट्रिएंट पे काम करना शुरू कर दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, 2 किलो चिकन खाते हैं, मुझे लगता है कि आप सब मजा रहे, मुझे ये बताइए कि यू ऑल आर एंजॉइंग, आप सबको मजा आ रहा है मेरे सेशन में, 9 टाइप करिए, जस्ट आई वांट टू सी 9 टाइप करिए किसको मजा आ रहा है, ओई होई होई होई, किसी ने 4-5 9 टाइप कर दिया, क्या बात है, ग्रेट, मजे लीजिए,
हाँ, अब हम बात करते हैं कि भाई एंटिस, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन एक एग्जांपल के, 2 किलो चिकन खाते हैं आप, 2 किलो चिकन में एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होगा, तो जो 20 ग्राम प्रोटीन है ना वो आपका न्यूट्रिएंट है, और जो 2 किलो चिकन है वो न्यूट्रिशन है। ये एक डेफिनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 किलो चिकन खाने के बाद जो आपको मिलता है वो मिलता है 20 ग्राम प्रोटीन। तो पीएम इंटरनेशनल आपको डायरेक्टली आपके बॉडी को 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, ना कि 2 किलो चिकन। और मार्केट में लोगों ने क्या प्रोवाइड करना शुरू किया, न्यूट्रिशन, मतलब दे ऑल आर प्रोवाइडेड द 2 kg ऑफ चिकन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, यस टाइप कर दीजिए। तो मार्केट के प्रोडक्ट में और मेरे प्रोडक्ट में भाई ये डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई मेरे एवरी प्रोडक्ट 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके सेल में, आपके सेलुलर सेल में जाके इनरोल हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता, इस बात की गारंटी कौन लेती है जी? एनटीसी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। ये सबको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ू मैं। भाई देखो, मैं बारात का वो घोड़ी हूँ, एक होता है ना कि भाई बारात में घोड़ी होता है जो जिसपे दूल्हा बैठा होता है, मैं बारात का वो घोड़ी हूँ, जब तक आप नाचोगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो आप सब इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यस टाइप कर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है, यस टाइप कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई अब हमें एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट का भी पता लग गया, मार्केटिंग प्लान भी सॉलिड है, अब हम अब एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? और नीलेश जी ने आपने बहुत बता दिया, अब मुझे बताओ कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, पीएम इंटरसेल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? अब मेन आती है बात मुद्दे की, अब बात आती है, यू बिकम ए पार्टनर टू वन ऑफ द टॉप 100 इनोवेटिव कंपनीज एंड ग्लोबल टॉप 50 इन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA, सीईओ काउंसिल। व्हाट इज द मीनिंग गाइज? एक ऐसी कंपनी जो कि पूरी वर्ल्ड मार्केट में टॉप 100 के अंदर हम शामिल है। किसमें? टॉप 100 में हम शामिल हैं, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में। मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड मार्केट में कितने कंपनीज काम कर रही है, 6 लाख, 6 लाख नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में पीएम इंटरनेशनल कहां पे है जी? वर्ल्ड मार्केट में टॉप 100 में शामिल हो चुकी है। और टॉप 100 में पता है हम कब से हैं? 2002 से, 2002 से पीएम इंटरनेशनल टॉप 100 के अंदर अंदर शामिल है, माय डियर फ्रेंड्स, टॉप 100 के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पता है कौन कह रहा है? DSN, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। अब कुछ लोग आपके सामने आएंगे कहते हैं बिकॉज मैंने ये झेला है, मेरी कंपनी दुनिया की बेस्ट है, मेरी कंपनी दुनिया की बेस्ट है। राम जी की एक होता है ना, वो झाल कीर्तन बजाते रहते हैं, उनको कुछ पता होता होता नहीं है, मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरी भाई कौन कौन बताता है तेरी कंपनी बेस्ट है? आज मैं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। हु डिफाइंड आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? कौन डिफाइन करेगा? मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे? नहीं, एक वेल रिपोर्टेड और एक 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 सॉलिड डेटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी कि मैं दुनिया का अमीर आदमी हूं या मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं? कौन डिफाइन करेगा? डिफाइन करेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा कि मैं कितना अमीर हूं या मैं कितना गरीब हूं, राइट? सेम उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स कि वर्ल्ड फेडरेशन, आज कोई अर्जी फर्जी, कोई लाला छाप, कोई बंदे आके ये नहीं कह सकते कि भाई मैं दुनिया का बेस्ट हूं या वो कंपनी दुनिया का बेस्ट है, गूगल पे पेड प्रमोशन करके किसी XYZ को प्रमोट करके उसको लाखों करोड़ रुपए देके, लाखों हजार रुपए देके प्रमोट करवा दिया कि भाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट डेटा। जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी नाम किसी XYZ का आता है, दैट इज द ओनली ब्लॉग। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे से बात करो, मेरे से आके पूछो कि वो कैसे होता है, मैं आपको करके दे सकता हूँ। भाई आपका नाम गूगल पे टॉप 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 5 में चाहिए ना, मैं लिख के दे सकता हूँ। वहां पे टॉप 5 पे कैसे आएगा आपका नाम, मैं लिख के दे सकता हूँ। बिकॉज दे ऑल, ये क्या है, ये सोशल मीडिया है, ये एक ट्रेंडिंग है, इसको ट्रेंड कराया जाता है। एक ब्लॉग है जो कि ब्लॉग एक इंसान अपनी ब्लॉगिंग करके ऊपर तक लेके जा सकता है। ये दिस इज नॉट द परफेक्ट डेटा, लेकिन परफेक्ट डेटा कौन देगा? जैसे मेरी इनकम का परफेक्ट डेटा देगा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेम उसी तरीके से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे परफेक्ट और सबसे ऑथेंटिकेट डेटा प्रोवाइड करता है। सबसे ऑथेंटिकेट और सबसे परफेक्ट डेटा कौन कौन डिफाइंड करेगा? चैट बॉक्स में लिखिए, मेरे मेरे सेशन को कितना इंजॉय कर रहे, चैट बॉक्स में लिखिए, कौन वर्ल्ड कौन सबसे सॉलिड डेटा देगा आपको मार्केट में, चैट बॉक्स में लिखिए, कौन देगा सबसे सॉलिड डेटा? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA, एग्जैक्टली।
मुकुल राणा बहुत इंजॉय कर रहे हैं सेशन को, मैं देख रहा हूँ। जो भी देखिए सेशन को इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनेश जी, सो मेनी पीपल। मुक्तेश्वर जी, वेरी गुड। रीना, बहुत बढ़िया। रीना WFDSA, नॉट एस ओनली। तो सो मेनी पीपल इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये है चौथा, हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रोथ टू द सिंपल एंड सक्सेसफुल बिजनेस। आज इसके अंदर क्या कहती है कि भाई कंपनी कहती है कि आपको सिंपल सा एक लाइन फॉलो करना है, दैट इज द सिंपल एंड सक्सेसफुल। यहाँ पे कोई टेक्निकलिटी की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बनना, यहाँ पे कोई मास्टर नहीं बनना। हमारे टीम में डॉक्टर भी आते हैं उड़ जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर की कमी नहीं है। तो यहाँ पे कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना, कोई इंजीनियर नहीं बनना, कोई मास्टर नहीं बनना। मैं ये कह रहा हूँ कोई डॉक्टर मास्टर नहीं बनने का। यहाँ पे क्या बनने का, जस्ट सिंपल एंड सक्सेसफुल, सिंपल एंड सक्सेसफुल, सिंपल एंड सक्सेसफुल, सिंपल एंड सक्सेसफुल। कोई टेक्निकलिटी की कोई जरूरत नहीं, कोई इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। जो आपको आपका लीडर सिखा रहा है, जो आपको आपका लीडर बता रहा है, बस इतना ही चीजें समझो। ज्योग्राफी हिस्ट्री इतना कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। सिंपल एंड सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस इंडस्ट्री के अंदर अंदर एज ए पार्ट टाइम और एज ए फुल टाइम आप इस बिजनेस के अंदर अंदर फ्रॉम एज ए पार्ट टाइम एज ए फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर टॉप पे जा सकते हैं। गाइज, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूँ। क्या करता हूँ जी? पार्ट टाइम। इधर देख लो, मेरी शक्ल देख लो जी। पार्ट टाइम करता हूँ इस बिजनेस को, पार्ट टाइम। और एक मजे की बात बताऊं, बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर आते हैं, मैं तो फुल टाइम कर रहा हूँ और मैं उससे ज्यादा पैसा कमाता हूँ। मैं ये बातें इसलिए नहीं बोल रहा, मतलब मुझे घमंड नहीं है अपने पे, बट बहुत सारे लोग ना फर्जी चीजें मार्केट में डिलीवर। मैं पार्ट टाइम करता हूँ जी। पार्ट टाइम करके भी आराम से 5,000 कमाया जा सकता है, 10 भी कमाया जा सकता है, 20 भी कमाया जा सकता है, 30 भी कमाया जा सकता है, 40 भी कमाया जा सकता है, 50 भी कमाया, 60 भी कमाया, 70 भी कमाया जा सकता है पार्ट टाइम। देख लो, इधर एग्जाम्पल है, इधर बता देना कभी भी, राइट? तो आप इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम एज ए फुल टाइम आप कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बढ़िया 7 नंबर पॉइंट की भाई, यू आर द मेंबर ऑफ द कमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो आज पूरी दुनिया को, वर्ल्ड मार्केट को, वर्ल्ड विजन के अंदर, वर्ल्ड विजन एक ऐसी एजेंसी है जो पूरी दुनिया के एक एनजीओ के तौर पे काम करती है, जिसमें अभी तो करीब करीब ये 3,000 बच्चों को हमने स्पॉन्सर कर दिया। पुराना डेटा है जिसमें 1800 एक्टिव चिल्ड्रन स्पॉन्सरिंग लिखा हुआ है। अभी करीब करीब 3,000 से भी ज्यादा हमने बच्चों को अडॉप्ट करा है पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में, 3,000 से ज्यादा। और मैं गुड न्यूज दूं आप सबको, बांग्लादेश में आप काम शुरू कर सकते हैं, बांग्लादेश में आप अपना लेग ओपन कर दीजिए, बिकॉज बांग्लादेश में कंपनी की चैरिटी स्टार्ट हो चुकी है। और जिस भी कंट्री के अंदर कंपनी अपना चैरिटी स्टार्ट करना शुरू कर देती है, वहां पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर वहां पे ऑफिशियल कंपनी लॉन्च हो जाती है। तो बांग्लादेश में हमारा चैरिटी स्टार्ट हो चुका है, वहां पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब काम करना है क्या? अब बहुत सारी बातें, बस सर आपने ये सारी चीजें बता दी, अब काम करना क्या है? तो काम तीन काम करना है आपको, और मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे इजिएस्ट काम है, सबसे इजिएस्ट वे है सक्सेस होने के लिए। यूज, टॉक एंड डेमो। कौन कौन यूज कर सकता है प्रोडक्ट को? कौन कौन लाल डब्बा यूज करता है? लाल डब्बा यूज करता है, रेड टाइप करे मेरे चैट बॉक्स में, रेड टाइप करे। जो बंदा लाल डब्बा यूज करता है मेरे चैट, अपने डेली मॉर्निंग उठ के लाल डब्बा यूज करता है, रेड टाइप करे। रेड 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 लोग, 15 11 12 13 14 15, चलो 15 20 30 40 लोग यूज करते होंगे। एनीवे, थैंक यू। तो इसमें क्या है, यूज करना है, मतलब आप प्रोडक्ट को यूज करें, उसके बाद टॉक, उसके बारे में बात करें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट आई एम टॉकिंग विथ यू विथ माई एक्सपीरियंस। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? उसके बाद डेमो। डेमो मतलब क्या होता है, आप किसी के साथ बैठे, प्रोडक्ट घोले पिलाए, आपका काम खत्म। तो यूज, टॉक एंड डेमो पे आपने काम करना है, और इसी काम को आपने क्या करना है जी, फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टिन्यूस सपोर्ट टू गाइड विथ स्टेप By a step with your senior leaders. Just छोटी छोटी चीजों को आपने follow करना है। Next आता है no risks for you. अब इसके अंदर इन network marketing industry के अंदर अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, डरते हैं, भाई मैंने पैसे लगा दिए। अब मेरे टीम में एक पर्सन है, अभी शायद यहाँ पे होंगे, मिस्टर रवि करके, वो मेरा एक छोटा भाई है, यहाँ पे रवि नाम का एक लड़का है, मेरा छोटा भाई है। तो अब वो कहता है, मुझे उस दिन फोन किया कि भाई जी मैंने एक सिक्योर लाइफ कोई कंपनी थी, सिक्योर लाइफ आई थिंक, पता नहीं सिक्योर लाइफ ही था ऐसा कुछ है, तो सिक्योर लाइफ एक कंपनी थी, उसमें मैंने 12-13 हजार रुपए लगा दिया। मम्मी गालियां दे रही है कि नहीं हम नहीं कर सकते,
मम्मी गालियां दे रही कि भाई 8-9 हज़ार रुपए वापिस फिर तो लगाएगा, फिर कुछ हो गया। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक लाइन देना चाहता हूं, जो नाइन्थ नंबर लाइन है, नाइन्थ नंबर लाइन है, आप लिख लीजिए, आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, आप अपने फोन पे सेव कर लीजिए। यहाँ पे नाइन्थ नंबर लाइन पे एक लाइन लिखा हुआ है, नो रिस्क फॉर यू एंड ए सेटिस्फेक्शन गारंटी विद 30 डेज मनी बैक। मतलब 30 दिन के है, 30 दिन का कंपनी आपको गारंटी लेती है आपके प्रोडक्ट का। यदि आप मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पर्सन को देते हैं, किसी भी यूजर को देते हैं, यदि वो बंदा आपके प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है, देन यू आर 100% एलिजिबल टू रिटर्न आवर प्रोडक्ट्स विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी मेरे प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 30 दिन के अंदर कभी भी। अब बताओ ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आज कितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऐसा होता है जी, कितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, मैंने फॉरएवर में काम किया है, मैं एक छोटे से अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे नहीं पता वहां का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। मैंने एक बॉटल यूज कर लिया, एक ढक्कन, एक कैप खुल गया, कंपनी ने नहीं लिया, बाद में उस कस्टमर को मैंने अपने पॉकेट से पैसा दिया। और ऐसे बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जहां पे ऐसा होता है, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस ये होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट ओपन नहीं होना चाहिए, आपका ये नहीं होना चाहिए, उसके उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आना चाहिए। मैं तो ऐसे ऐसे कंपनी को भी देखा, ये जिस डब्बा है आप लेके आए, गलती से स्क्रैच लग गया ना, नहीं नहीं आपके बॉटल पे स्क्रैच लग गया, मैं नहीं लेने वाला, सॉरी टू से। आज आप, मैं आपको बताता हूं, ये डब्बा खुल गया, इसमें शायद 20-30% माल होगा, 20-30% इसमें एक्टिवाइज होंगे। यदि मैं इस बॉक्स को अभी रिटर्न करना चाहूँ ना, तो ये अभी ये बॉक्स रिटर्न हो सकता है जी, इतना 100% गारंटी एंड अथेंटिसिटी के साथ आपको कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। We all are not doing as a forced selling। हम कोई फोर्स सेलिंग यहाँ पे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन सेलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, सेटिस्फेक्शन सेलिंग। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है, यस टाइप करें। अब हम बात करते हैं एज ए बिजनेस, You can proud of you। आप इस बिजनेस को करके आप अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हैं माई डियर फ्रेंड्स। क्या कर सकते हैं जी, प्राउड फील कर सकते हैं। क्यों, कैसे? सबसे पहले नंबर बात कि फिट लाइन इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट एंड कंप्लीट प्रोडक्ट। किसमें किसमें काम कर रही है जी, हेल्थ फिटनेस वेलनेस एंड ब्यूटी वर्ल्ड वाइड। और वो भी कैसे रिजल्ट है जी, इमीडिएट रिजल्ट विद द डेमोस्ट्रेशन। आज डेमोस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे कोई पानी को लाल काला पीला नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी डेमोस्ट्रेट करेगी, आपकी बॉडी फील करेगी कि भाई मैंने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। मैंने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में देखा है कि भाई घोल के पिला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई थर्मोकोल काट रहा है, कोई ग्लास काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई सॉरी टू से, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि भाई थर्मोकोल को और बैड कोलेस्ट्रॉल से क्या 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 कनेक्शन है, मुझे आज तक नहीं पता चला। एक मैं डॉक्टर से पूछा, मुझे गालियां दिया कि भाई ये तुझे कौन बताया कौन बताया तुझे कि भाई थर्मोकोल एंड क्या बोलते हैं उसको, बैड कोलेस्ट्रॉल, दोनों सेम होता है, कोई नहीं बताया, राइट? तो ऐसा कोई एग्जांपल्स नहीं है मेरे पास, ऐसी कोई डेमोंस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, मेरे पास ये डेमोंस्ट्रेशन है कि आप मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए और आपकी बॉडी फील करेगी। दैट्स इट, दिस इज द वे टू डेमोंस्ट्रेट योर प्रोडक्ट्स ऑन योर ह्यूमन बॉडी। सॉरी टू से, मुझे कुछ लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया, मैंने फोन बंद कर दिया, थैंक यू। तो इसमें आप हमारे 100% प्रोडक्ट को डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी, राइट? उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि द एक्सक्लूसिव एंटीसी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। क्यों आपके बॉडी में 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये काम करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज डिलीवर द न्यूट्रिएंट एग्जैक्टली व्हेन दे आर नीडेड एंड वेयर दे आर नीडेड। ये आपकी बॉडी में तब वहां पहुंच जाता है जहां पे उसकी जरूरत होती है, टू द सेलुलर लेवल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, चाहे आपके इनर पार्ट में हो, चाहे आपके आउटर पार्ट में हो, कहीं पे भी हो, इस तरीके से चीजें आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। चौथा मैंने आपको बताया कि फिट लाइन हैव 68 नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट्स है आज हमारे पास। आज मैंने एक ऐसे कंपनी के साथ मैंने काम किया जो कि कहती है 100% मेरा प्रोडक्ट पेटेंटेड है, 100% ये पेटेंट वो पेटेंट, बट आज तक एक भी ऑन डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा हुआ नहीं देखा। वो सब लोगों के जुबान पे था या वो सब लीडर्स के जुबान पे है, बट आज मैं आपको एक सॉलिड प्रूफ, एक सॉलिड डेटा दे सकता हूं कि पीएम इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स जिसके पास 68 नेशनल एंड इंटरनेशनल पेटेंट्स है माय डियर फ्रेंड्स। जिसमें हमारा कुछ प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज ट्वाइस पेटेंटेड, और ये हमारे प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई एक एग्जांपल कि भाई मैं एक एग्जांपल, मैं इंजीनियर हूं तो मैं क्यों लोगों से छुपाऊंगा अपने सर्टिफिकेट दिखाने में,
मैं इंजीनियर नहीं हूं तभी तो मैं छुपाऊंगा, नहीं 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 मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना, नहीं दिखा मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूं। समझ आ रहे नहीं आ रहा? तो मतलब यदि मेरे पास है तो हम आपको दिखा सकते हैं, नहीं है तो फिर चलो आगे पीछे फिर बातें कुछ ना कुछ होगी। उसके बाद स्टडी द कोलैबोरेशन हाँ, मतलब आज जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है, जो भी आज हमारे प्रोडक्ट्स है, ये कोई लाला छाप या कोई बाबा जी या कोई कोई भी मतलब ऐसी कुछ एजेंसी या कोई कंपनी आज हमारे प्रोडक्ट को नहीं तैयार करती, हमारी प्रोडक्ट आज वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज हमारे प्रोडक्ट को तैयार करती है। जैसे लीस्ट, लीस्ट मतलब लग्जमबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ पे कोई होंगे उनको पता होगा IIT के बारे में। पूरे हिंदुस्तान का सबसे वेल रेपुटेड, सबसे बहुत स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का सपना होता है, मेरा खुद का सपना था IIT में पढ़ना, लेकिन इत्तेफाक से मैं इतना स्मार्ट स्टूडेंट नहीं था कि मैं IIT में जा पाऊं। यहाँ पे एक मेरी दोस्त बैठी हुई है, एक मेरे टीममेट बैठे हुए हैं रुड़की से, वहां पे मेरा सपना था जाना लेकिन चलो नहीं जा पाया। बट IIT इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे स्टैंडर्ड, सबसे वेल रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है इंजीनियरिंग के लिए। सेम उसी तरीके से लीस्ट, लग्जमबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जर्मनी में है, इंडिया में IIT और जर्मनी में, यूरोप में लीस्ट मानी जाती है। तो आज लिस्ट के सारे इंजीनियर, सारे प्रोफेशनल, सारे डॉक्टर्स आज हमारे प्रोडक्ट की R&D के अंदर हमारी मदद करती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस इन अपर ऑस्ट्रिया, कभी भी मौका मिले, टाइम मिले, जाके पढ़िए इसके बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए बिजनेस कि जहां पे जस्ट यू आर डूइंग और पासिंग योर इंफॉर्मेशन कॉपी एंड पेस्ट, नो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, और ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल लोग ही चला सकते हैं। यहाँ पे चमत्कार नहीं होता जी, क्या नहीं होता, चमत्कार नहीं होता कि भाई ब्रह्मा ऐसा कुछ होगा, कोई जिन आएगा वो कहेगा हुक्म कर मेरी आका, मैं तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा, BMW, Lamborghini, Audi, सब, ऐसा कुछ नहीं होता जी। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको 100% सॉलिड डेटा पे काम करना पड़ेगा, 100% आपको स्टडी करना पड़ेगा। जब आपके पास स्टडी है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यही सिस्टम, यही कंपनी आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। कहां से? फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो भाई आप कल भी डमरू हैं और आज भी डमरू हैं। आपको फिर कल भी उसने बजाया और आज भी वो बजा रहा है। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, देखिए मेरा वर्ड्स बोलने का कुछ हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, बट मेरी फीलिंग को जरूर समझिएगा। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी बंदा आपको आपको मिसयूज कर सकता है, आपको मिसगाइड कर सकता है। तो आपके पास एक सॉलिड इंफॉर्मेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, सारी के सारे साइंटिस्ट, साइंस एंड बोर्ड्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, और सारे हमारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये ओनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस इसको दिया जाता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यदि इसको नहीं लेगी तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। बट आज PM इंटरनेशनल के पास भी है, ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी नहीं किया गया है, बट PM इंटरनेशनल के पास एक सॉलिड और जो कि GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेड इन जर्मनी, एक ऐसे सॉलिड इंफॉर्मेशन, सॉलिड डेटा और सॉलिड एजेंसीज भी म्यूट कर दिया भाई, पोस्ट तो नहीं, मुझे ही म्यूट कर रहे हैं आप लोग एनीवे। चलिए ठीक है, तो मेरी बात अभी तक समझ में आ रहे थे ना जी? ओके राइट। तो यहाँ पे क्या देखिए, आज हमारे पास GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आज हमारे पास है, इसका भी लाइसेंस आज हमारे पास है। TUBSUD लैब के बारे में मैंने आपको बताया, इसके ऑलरेडी ऑफिस में मैं जाके घूम के आ चुका हूँ, मैं एक एक चीज को मैं देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। हाइएस्ट प्रोडक्ट सेफ्टी की गारंटी PM इंटरनेशनल आपको देती है। नॉन डोपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डोपिंग? नॉन डोपिंग मतलब सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, वो सारे स्पोर्ट्स प्लेयर के फूड या जो उनके इंटेक वैल्यू है, वो सबका मतलब कैलकुलेशंस रखता है या जो उसको चेक करता है, वो एक बॉडी होता है जिसको नॉन डोपिंग बॉडी बोलते हैं। ये नॉन डोपिंग बॉडी आज हमें लाइसेंस दे चुका है कि भाई आपके सारे प्रोडक्ट नॉन डोपिंग है, मतलब एक रिक्शे वाले से लेकर और एक वर्ल्ड के टॉप स्पोर्ट्स प्लेयर तक को भी आप अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोलेजन लिस्ट से अप्रूव्ड है, इसका ये मतलब है किसी भी तरीके का कोई केमिकल इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। और आज हमारे पास वर्ल्ड की कुछ टॉप एजेंसीज, कुछ टॉप स्पोर्ट्स फेडरेशंस आज PM इंटरनेशनल के या फिटलाइन के स्पोर्ट्स फिटलाइन के
ऑफिशियल सप्लायर हैं जो पीएम इंटरनेशनल से फिटलाइन से प्रोडक्ट खरीद के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने प्लेयर्स को वो इस्तेमाल करवाते हैं। कभी भी और भी जानकारी का मौका मिले, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, द लीस्ट पब्लिश द प्रोडक्ट हैज बीन टेस्टेड बाय द वर्ल्ड लीडिंग लैबोरेटरी ऑफ द इमेजिंग न्यू सप्लीमेंट्स डोपिंग सब ट्रांस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट द, ये सारी की सारी साइट आपको दी चुकी है जो कोलेजन लिस्ट की साइट है, मतलब एक ऐसी एजेंसी जो आपको अपनी साइट तक दे दी कि भाई यहाँ पे जाके आप पीएम इंटरनेशनल के प्रोडक्ट को आप जाके चेक करिए। जो भी कंपनी आपको कह रही है कि भाई मेरी भी प्रोडक्ट डोपिंग फ्री है, आप यहाँ पे जाके चेक करिए क्या सच में उसकी कंपनी डोपिंग फ्री है कि नहीं है। क्योंकि आज हिंदुस्तान की मार्केट में, मैं एक इंसान को कह रहा हूँ यहीं पे आप लोगों के सामने, मैं डेटा प्रूफ कर सकता हूँ, मैं एक इंसान को कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल कि भाई मेरे साथ अंकित जी हैं, अंकित जी को ये कह रहा हूँ, अंकित भाई काम कुछ नहीं करना, बस तू एक बार ज्वाइन कर ले, मेरा प्रोडक्ट तो ऐसा ये कर देगा वो कर देगा। मैंने अंकित को बताया, अंकित सोचेगा हाँ भाई ठीक है ज्वाइन कर लेता हूँ। और एक तरफ मैं अंकित को ये कह रहा हूँ, अंकित यार ज्वाइन करो, लेकिन अंकित भाई हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 3 साल जान लगाना पड़ेगा, और जान लगा दिया तो सच में हम यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। अब मुझे बताइए अंकित किसके साथ जाना पसंद करेंगे, एक लो माइंडसेट के लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे, पहले वाले के साथ या दूसरे वाले के साथ जो ये कह रहा है भाई काम करना पड़ेगा, तुझे खून पसीना बहाना पड़ेगा फील्ड में, उसके साथ जाना पसंद करेगा या पहले वाले के साथ जाना पसंद करेगा जो कह रहा है कि भाई खाली ज्वाइन कर तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम मैं कर दूंगा। आप सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, यू ऑल आर सबको आज का सेशन समझ में आ रहा है, किसके साथ जाना चाहेगा, 1 के साथ और 2 के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं 2 के साथ जाना पड़ेगा, बट सॉरी टू से मैं लोगों का माइंडसेट बताता हूं, मैक्सिमम लोग 1 के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहां पे इसको काम नहीं करना, मैक्सिमम लोग 1 के साथ, और वही 1 इस इंडस्ट्री के अंदर जाके फेल हो जाते हैं और कहते हैं यार ये धंधा नहीं चलता होता, ये बिजनेस नहीं चलता होता। सॉरी टू से ये है रीजन, राइट। तो आज हम आपको 100% डेटा, 100% ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा, हाँ आप कोलेजन लिस्ट के बारे में ये डेटा आप जाके स्टडी कर सकते हैं, TUBSUD लैब के बारे में जाके स्टडी कर सकते हैं, GMP मैंने बताया, पेटेंटेड मैंने बताया, ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है, राइट। थोड़ा सा आपसे एक और मैं बात करता हूँ कि भाई पीएम इंटरनेशनल के और भी टॉप रीजन क्या है आपको बिजनेस के अंदर काम करने का। आज वर्ल्ड मार्केट में एक ऐसी कंपनी जो 100% स्टेबल है और एक फैमिली के द्वारा चलाई जा रही है, पीएम इंटरनेशनल का कभी भी पीएम इंटरनेशनल का आपको कोई स्टॉक नहीं मिलेगा। मुझे एक कल परसों एक कंपनी से बात हो रही थी, एक कंपनी के बहुत अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कंपनी को आप जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप जाके चेक कर लीजिए। तो मैं भी एक, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा जिज्ञासु हूँ किसी चीज को समझने के लिए, उसने मुझे बताया कि यदि आपकी कंपनी सॉलिड होगी ना तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसकी एंट्री जरूर होगी। और मैं घबरा गया कि भाई सच में मेरी कंपनी की है कि नहीं है। मैं गया वहां पर, मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मैं गया, मैं जाके जब वहां पर डिस्क्रिप्शन खोला, ओ माय गॉड, 38% की ग्रोथ रेवेन्यू वहां पे। मैं घबरा गया कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो पीएम इंटरनेशनल अपना शेयर बेचती नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी मौका मिले अब जाके चेक करिए। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, एजुकेशन ही आपको इस बिजनेस में कामयाब करेगा। एजुकेशन, जितना आप एजुकेट होंगे, जितना आपके पास एक सॉलिड इंफॉर्मेशन होगा, वही इस बिजनेस के अंदर आपको चरम सीमा पे लेके जाएगा। अदरवाइज मार्केट में डमरू वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, तो डमरू वो आपका भी बजवाएंगे, खुद तो बजवा ही रहे हैं, वो आपका भी डमरू बजा देंगे। इसलिए डमरू वाले लोगों से दूर रहना, बिकॉज उनके पास कोई डेटा नहीं होता। तो डेटा, मैं दोबारा एक बात, एक बहुत बड़ी सॉलिड बात कह रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, बेटा सन, बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा झूठ नहीं बोलेगा। कभी भी जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये लीगैलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बातें कर ली हुई है ना। उसके बाद बिजनेस इजी एंड डेमोस्ट्रेट, ये भी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। अपॉर्चुनिटी टू पार्ट टाइम 30, हाँ ये नो रिस्क, ये भी मैंने कवर कर लिया है, कोई ऐसी बातें रह गई क्या। NTC के बारे में मैंने बात किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 30 मिलियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ऑलमोस्ट मैंने बातें इसमें से, जो ये मेरा स्लाइड था, ऑलमोस्ट मैंने इसमें से बातें कर लिया, राइट। तो आज मुझे लगता है कि पीएम इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, जितना मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर आज बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसका नाम है पीएम इंटरनेशनल, राइट।
कभी भी आपको मौका मिले, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी लोग हैं जो आपसे कुछ भी डेटा पूछ सकते हैं, कुछ भी डेटा आपसे मांग सकते हैं, कुछ भी चीजें आपको 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 बोल सकते हैं कि भाई आपको मुझे दिखाइए कुछ भी एक्स वाई जेड। मैं आपको अभी एक और मैं चीजें आपके सामने एक्सप्रेस करता हूँ। मेरा स्क्रीन पे आप जाइए, मैं सिंपल गूगल पे गया, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है जी, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, यस टाइप कर दीजिए। सिंपल सा गूगल पे जाइए माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल गूगल पे जाइए। और गूगल पे जाके करना क्या है, बहुत सारे लोग आपको आएंगे कहेंगे, और डेटा, क्योंकि डेटा कैसे एनालिसिस करना है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। गूगल पे जाइए सिंपल, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखा DSN डायरेक्ट सेलिंग न्यूज टॉप 100 2021 2021, मैंने सर्च किया और मेरे सामने एक लाइन आ गया। और ये पढ़ने से पहले, यहाँ पे ये पढ़ने से पहले एक ब्लू लाइन जो कि लिंक होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक, लिंक इट मींस कि ये वाला लिंक। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चीजें आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा जी, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे एक लाइन देखिए, मैं एक पॉइंटर ढूंढ लेता हूँ, मेरा पॉइंटर कहाँ है, मेरा पॉइंटर पता नहीं कहाँ है, चलो एनीवे आप एक लाइन यहाँ पे देखिए कि ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट, ग्लोबल 100 लिस्ट 2021 है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। अब ये तो एक लाइन मुझे दिख गया और ऊपर से नीचे लिखा हुआ है www.directsellingnews.com, मतलब दैट इज द परफेक्ट डेटा। अब नीचे एक और लाइन लिखा हुआ है, देखिए DSN गूगल DSN ग्लोबल 100 लिस्ट ऑफ टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज 2021। ये आप कोई मुझे कह सकता है कि भाई पहले वाला डेटा सही है दूसरे वाला डेटा सही है? आप चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए पहले वाला डेटा सही है दूसरे वाला डेटा सही है। मैं आपको अभी प्रूफ करके बता सकता हूं कि भाई मार्केट में कितनी चीजें हैं जो हमें समझना है। एक, कई लोगों ने एक बोला, भाई दूसरा क्यों नहीं सही है, दूसरा, कई लोगों ने दूसरा लिखा, भाई दूसरा सही है, कई लोगों ने दूसरा लिखा, सेकंड सही है, ओ माय गॉड यहां पे दूसरे वाले भी लोग हैं, लिखो 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 लिखो, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, देखो शर्माना नहीं है, जितना इन्फॉर्मेशन जितनी जानकारी है आप लिखिए, ऑफिशियल वेबसाइट लिखिए लिखिए लिखिए, कई लोगों ने दो लिखा, दो दो दो, कुछ लोग दो लिख रहे हैं, अनीता जी दो लिख रहे हैं, रवीन दो लिख रहा है, रवीन रवीन RAVIN रवीन जी दो लिख रहे हैं, दो 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 एक। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने दो लिखा, दो लिखा। अब ये वो लोग हैं जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, सॉरी टू से दोस्त, आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेशन लेना है। अब मैं एक बात बता देता हूं, मैंने आपसे आप लोगों से पहले एक बात बोली है, ब्लॉग, क्या बोला है जी, ब्लॉग। अब एक लाइन देखिए नीचे, सेकंड लाइन पे DSN ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट, ये तो लिख के आ गया, नीचे क्या लिखा है, www.mlm क्या है, sprofit, ये समथिंग कुछ ऐसा है, .com और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्लॉग। मतलब ये किसी भी XYZ बंदे का ये ब्लॉग है माय डियर फ्रेंड्स, ये आप और हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बेशक उसने डेटा सही लिखा होगा, बट दिस इज नॉट ए करेक्ट एंड परफेक्ट डेटा। मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, दिस इज नॉट ए करेक्ट एंड परफेक्ट डेटा, चाहे बेशक ये बंदे ने बात सही लिखी हुई हो, लेकिन ये 100% वेल एंड प्रूफ डेटा नहीं है। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, नीचे थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे ये डेटा 100% सही है, क्योंकि ये डेटा किसने पब्लिश किया है, अब ये देखो किसी YouTube भाई ने लिखा हुआ है। अब DSN ग्लोबल, अब YouTube पे भी कोई बंदा अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ये भी डेटा सही नहीं है, तो डेटा 100%। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है, देखिए Expedia something mlmsoftware.com, ये किसी बंदे का होगा ये, और ये नीचे एक लाइन लिखा हुआ है ब्लॉग, BLOG ब्लॉग, ब्लॉग मतलब क्या, ये इंसान अपने मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है जी, अवेयर रहिए, कोई भी बंदा ऐसे कोई भी डेटा आपके सामने लेके आता है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और यदि आप कर रहे हैं दैट मींस कि यू आर नॉट ए 100%, मतलब आपके पास 100% ऑथेंटिकेट डेटा है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ फेक डेटा, दिस काइंड ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। कितने लोगों को लग रहा है कि ये बातें आप लोगों के लिए हजम होने वाली है, और ये बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को लग रहा है, टू टाइप करें चैट बॉक्स में जिसको उसको लग रहा है। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इस पे जब आप चेक करेंगे तब आप चेक करिए कि भाई वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज ये कौन कौन सी है। मैंने आपके सामने खोला और यहाँ पे DSN की कंप्लीट लिस्ट आ गई, और दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ फेक डेटा। जब आप नीचे जाएंगे क्लियर, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है टॉप 100 कंपनीज के बारे में। अब सबसे पहले कंपनीज कौन सी है, एमवे। देखिए किसी भी कंपनी से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले, सीखो यार सीखो, हमें सीखना है, हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। हाँ, टॉप पे कौन सी कंपनी है, एमवे। सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी है, ये हिंदुस्तान में नहीं है। थर्ड नंबर पे हर्बल लाइफ। फोर्थ नंबर पे हिंदुस्तान में नहीं है ये कंपनी। फिफ्थ नंबर पे ये कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है। सिक्स नंबर पे कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है।
सेवन नंबर पे कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है, एट नंबर पे कंपनी हिंदुस्तान में है लेकिन बहुत छोटे स्केल पे काम कर रही है, शायद ना के बराबर। और उसके बाद नाइन्थ नंबर कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है, टेन नंबर कंपनी हिंदुस्तान में आ चुकी है जी, अभी जस्ट आई है, एक महीने पहले यानी कि इसी महीने कंपनी आई है। अब आप बताओ एक दो तीन चौथी कंपनी आज हिंदुस्तान में ऐसी है जो कि टॉप 100 के अंदर टॉप 10 नंबर रैंक पे एग्जिस्ट कर रही है। काम करने में मजा आएगा, बढ़िया आएगा, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जी। उसके बाद एक और डेटा आप लोगों को सामने पेश करता हूं जी। कभी भी किसी भी कंपनीज के बारे में आपको चेक करना है, BFH बिजनेस फ्रॉम होम एक एप्लीकेशन होता है, इसको जाके आप चेक कर लीजिए, इसको जाके आप सर्च कर लीजिए BFH। किसी भी कंपनीज की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब कुछ आपको पढ़ना है, आप इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं BFH बिजनेस फ्रॉम होम। अब इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा ये कहां गया, बिजनेस फ्रॉम होम, बिजनेस फ्रॉम होम, ये देखिए। अब ऊपर मुझे कई साइट ऐसे आए, देख लीजिए कई साइट ऐसे आया, ये देखिए, बट ये नॉट परफेक्ट डेटा, BFH.ch ये भी कोई यूनिवर्सिटी का है, ये भी कोई 100% डेटा नहीं है। यहाँ पे नीचे जाके देखिए एक डेटा आ रहा है, कहां गया अभी वो आया था, ये रखिए, ये 100% ऑथेंटिकेट डेटा आपको दे सकता है BFH, ये देखिए, हाँ ये आपको 100% ऑथेंटिकेट डेटा देगा, जहां पे किसी भी कंपनीज के बारे में, किसी भी कंपनीज की आइडियोलॉजी के बारे में, किसी भी कंपनीज के 100% इंफॉर्मेशन के बारे में जाके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कंपनी आपको, कोई भी बंदा कभी भी आपको पागल नहीं बनाएगा, कोई भी बंदा आपको यहाँ पे बेवकूफ नहीं बना सकता। यदि आपके पास 100% ऑथेंटिकेट डेटा है तो क्या है जी, 100% ऑथेंटिकेट डेटा है तो कोई भी कंपनी आपको यहाँ पे पागल नहीं बना सकता, कोई भी कंपनी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाई, कौन भी एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई पीएम इंटरनेशनल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सर्च करिए पीएम इंटरनेशनल। अब पीएम इंटरनेशनल को सर्च करने के बाद कंपनी का सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगा। एक मिनट, कहाँ पे सर्च करना है, एक मिनट। आई थिंक यहाँ पे सर्च करना है, ये ना आप कभी भी मोबाइल फोन में चेक करेंगे तो मोबाइल फोन में एप्लीकेशन में ये बहुत इजीली हो जाता है, बहुत इजीली हम इसको देख पाते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें पूरा स्टडी करना पड़ेगा, एक सेकेंड दीजिए मुझे। चलो इसको मैं मोबाइल फोन से आपको शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं अपनी मोबाइल फोन पे ये अपना स्क्रीन में शेयर करता हूँ, बस एक सेकेंड दीजिए मुझे, क्योंकि आज मैं सबको एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन देके भेजूंगा, चिंता ना करो, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देके भेजूंगा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, वहां पे शायद वो नहीं आ रहा, एक सेकेंड रुकिए। चलिए जी, मैंने अपने फोन का स्क्रीन शेयर कर दिया जी। अब आप लोग और अच्छे से देखने वाले हैं और अच्छे से आप समझने वाले हैं। मैंने क्या करा, मैं गया अपनी फेसबुक अपनी प्रोफाइल पे और यहाँ पे देखिए BFH एक एप्लीकेशन है, BFH, कोई बात नहीं सर, हाँ कोई BFH, मैंने BFH ओपन करा, BFH मैंने ओपन करा माय डियर फ्रेंड्स। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, यदि अच्छे से और आपको दिखेगा, मे बी नहीं दिख रहा, नहीं रोटेट हो रहा है मेरा फोन, रोटेट नहीं हो रहा। चलिए अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं, इस हम सर्च बार में गए, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं पीएम इंटरनेशनल। अब जैसे मैंने पीएम इंटरनेशनल सर्च किया, मेरे सामने एक कंपनी का ब्लॉग आ गया, एक कंपनी का सारा डिस्क्रिप्शन आ गया और ये है हमारी कंपनी के 100% ऑथेंटिकेट डेटा। क्या है जी, 100% ऑथेंटिकेट डेटा। किसी भी कंपनी के बारे में आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में जाके आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अब पीएम इंटरनेशनल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो कि पूरी ग्लोबल मार्केट में माय डियर फ्रेंड्स 55% की ग्रोथ रेवेन्यू के साथ काम कर रही है। कितने परसेंट पे, 55% की ग्रोथ रेवेन्यू पे काम कर रही है लास्ट ईयर की। अब मुझे बताओ लास्ट ईयर की हमारा ग्रोथ रेवेन्यू कितना है, लास्ट ईयर की, मैं चेक करना चाहूंगा भाई किसको किसको समझ में आ गया, मेरे चैट बॉक्स में लिखिए लास्ट ईयर की ग्रोथ रेवेन्यू कितना है, मेरा डिफरेंस ग्रोथ रेवेन्यू कितना है, 600 मिलियन, चैट बॉक्स में लिखो 600 मिलियन। भाई पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर पीएम इंटरनेशनल सेकंड नंबर रैंक पे था जो कि $600 मिलियन की रेवेन्यू को क्रॉस कर लिया, 600 मिलियन। नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम है
मैं नहीं बताऊंगा, वो 650 मिलियन के ग्रोथ रेवेन्यू को क्रॉस किया, बट पीएम इंटरनेशनल 600 मिलियन की ग्रोथ रेवेन्यू को क्रॉस कर लिया, 600 मिलियन। और एक सबसे मजेदार बात बताऊं, आप यहां पे चेक करिए, 118 जब मैंने ज्वाइन किया था तो पता है यहां पे कितने लोग थे, 95 लोग थे टॉप अर्नर लिस्ट में, 96 लोग थे, और आज 118, मतलब 96 और 118 में कितने डिफरेंस होते हैं, करीब करीब 22 लोग, 22 से 23 लोग पीएम इंटरनेशनल के मार्केटिंग प्लान के अंदर टॉप अर्नर बने हैं, जिसकी मिनिमम इनकम चैंपियन लीग पे मिनिमम इनकम उस बंदे की जाएगी 80 से लेकर 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 80 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए तक इनकम जाएगी, 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए तक उस बंदे की इनकम जाएगी, मिनिमम स्टार्टिंग हो जाता 80 लाख रुपए से। किसी भी कंपनी के बारे में आप यहां पे जाके चेक करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारी कंपनी बेस्ट है, नो, बेस्ट तो है, ठीक है, किसी भी कंपनी के बारे में एक एग्जांपल, मुझे रियलिटी है तो उस पे बात करने पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी मेरी जान है, मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली मोहब्बत यही है, एक कंपनी जहां से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया है, एक कंपनी जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मैं इसमें काम करता था, राइट। अब एक चीज को चेक करें, ये कंपनी देखिए, मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं सॉरी टू से, मैं दोबारा, क्योंकि ये मेरा सेशन लाइव चल रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दिस इज ओनली हेल्दी कंपैरिजन, मैं किसी भी कंपनी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, और यदि आपको लग रहा है तो मैं पहले से आपसे सॉरी मांगता हूं, ऐसा मेरा कोई अटेंशन नहीं है। अब आप चीजों को चेक करें, एक ऐसी कंपनी जो कि कहा जाता है सो कॉल्ड लीडर, हमें ये कहते हैं कि ये कंपनी पूरी दुनिया की टॉप 100 कंपनी यानी कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में से आता है, चेक करिए आप, -4% की ग्रोथ रेवेन्यू है, और कोई बंदा आपको झुठला नहीं सकता, क्या जी, झुठला नहीं सकता, दिस इज द 100% परफेक्ट डेटा, आपको आपके पास डेटा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंपनी का डेटा गलत है, ये डेटा डाउन है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा, मैं एक और कंपनी के बारे में अभी आपसे बात करूंगा। अब आप चेक करिए, -4% की ग्रोथ रेवेन्यू, ये मैं नहीं कह रहा, ये BFS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहता है, -90 मिलियन की ग्रोथ रेवेन्यू है जी, जाके चेक कर लो, मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी कह रही है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं, -90 मिलियन, पीछे पीएम इंटरनेशनल का कितना, 600 मिलियन प्लस ग्रोथ रेवेन्यू है जी, यहाँ पे -90 मिलियन ग्रोथ रेवेन्यू है, मतलब कंपनी 4% डाउन गई है। चेक करिए पिछले 2015 की रेवेन्यू कितनी है जी, 15 की रेवेन्यू है 2600 मिलियन, उसके बाद 2600 मिलियन, अगेन 2600 मिलियन, 2500 मिलियन है, 100 मिलियन डाउन गया, उसके बाद 2400 मिलियन, 100 मिलियन अगेन डाउन गया, उसके बाद 2020 का 2390 मिलियन, यानी कि 2310 मिलियन है कि 90 मिलियन वापस डाउन गया, राइट। अब वापस एक बार मैं पीएम इंटरनेशनल के साइट पे आपको दोबारा लेके जाना चाहता हूं, आप एक बार और यहां पे चेक करिए जी, पीएम इंटरनेशनल के साइट पे मैं गया, यहां पे दोबारा आप चेक करिए, यहां पे क्या है जी, 2015 का डेटा देखिए 350 मिलियन, 2016 का डेटा 460 मिलियन, अगेन हम प्लस में है, 2017 का डेटा 632 मिलियन, अगेन प्लस में है, 2018 का डेटा 834 मिलियन, अगेन प्लस में है, 2019 इज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर फॉर पीएम इंटरनेशनल वर्ल्ड मार्केट के लिए, जो कि हम लोगों ने 1 मिलियन की ग्रोथ रेवेन्यू को क्रॉस कर दिया, यानी कि 1100 मिलियन हमने क्रॉस किया, 2020 1700 मिलियन, और प्राउडली आई एम जस्ट गोइंग टू अनाउंस यू विथ माई, कहां चला गया, हाँ, मैं आपको प्राउडली अनाउंस कर सकता हूं कि आज पीएम इंटरनेशनल 2021 का जब डेटा आएगा हमारे पास, तो शायद हम 2 बिलियन की इंडस्ट्री को हम क्रॉस कर चुके होंगे, 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन। एक और डेटा, एक और कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, देखिए हमें ऐसा नहीं कि हम किसी कंपनी की नेगेटिव बातें को नहीं कर रहे, नो, एक और कंपनी के बारे में आपको बताता हूं, हर्बल लाइफ, बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी, बहुत मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए मुझे समझना है, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मैं कहीं पे भी जाके समझ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, जान सकता हूँ। एक ऐसी कंपनी जो कि 48 अर्नर्स है, टॉप अर्नर्स, 48 टॉप अर्नर्स है, और 14% की ग्रोथ रेवेन्यू पे है, भाई मुझे बताते हुए क्यों शर्म आएगी, क्योंकि कंपनी टॉप पे है और मुझे कंपेरिजन करना है, मुझे एक अच्छी सॉलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चाहिए भाई, ये कंपनी कैसे कैसे ग्रोथ ली है आप चेक करिए, 2015 में $4.4 बिलियन की रेवेन्यू है, 2016 में अगेन 4.4, 2017 में अगेन 4.4, 2018 में अगेन 4.8, यानी कि 400 मिलियन की ग्रोथ रेवेन्यू है, 2019 में अगेन, 2020 में भाई 650 मिलियन, यही एक कंपनी है, 663 मिलियन की ग्रोथ रेवेन्यू लेके गई है जी, यही एक कंपनी है जो पीएम इंटरनेशनल और इसके अंदर जो डिफरेंसेज है, यही एक कंपनी है जी जो टॉप नंबर पे है ग्रोथ रेवेन्यू वाइज, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो कभी भी अर्जी फर्जी लोगों के सामने, कभी भी
हर्बल लाइफ के बाद ओनली 1 PM इंटरनेशनल, जिसकी राइट बिल्कुल पुनीत सर, एक बहुत करेक्ट डेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई वर्ल्ड मार्केट में हम सेकंड नंबर रैंक पे हैं विद द हेल्प ऑफ 6 मिलियन ग्रोथ रेवेन्यू, 600 मिलियन की ग्रोथ रेवेन्यू। हर्बल लाइफ इज द टॉप वन एंड सेकंड वन इज द पीएम इंटरनेशनल, जबकि पीएम इंटरनेशनल को मात्र 27 साल हुआ है, 27 साल, और एक ऐसे कंपनी के साथ टक्कर ले रहा है जो कि 41 साल से पूरी मार्केट में काम कर रही है। और जब हर्बल लाइफ का बैकग्राउंड आप जाके चेक करेंगे तो बहुत बड़ा उनका और भी बैकग्राउंड है, जो कि क्योंकि पिछले काफी सदियों से वो काम कर रहे हैं। चलो हम इसमें नहीं जाना, बट रियलिस्टिक डेटा हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मैं आप सबके पास एक बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन, एक बहुत सॉलिड डेटा मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कामयाब हो गया। किसको किसको लगता है कि आज की सेशन, आज की ट्रेनिंग, आज का इन्फॉर्मेशन उनके लिए लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन में से एक इन्फॉर्मेशन था? यदि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और आप मार्केट में काम करने जाएंगे, आप सो कॉल्ड लीडर के साथ आप बैठेंगे, धज्जियां उड़ा सकते हैं उसकी, क्या धज्जियां उड़ा सकते हैं उसकी। वो अर्जी फर्जी लोग आपके सामने टिक नहीं सकता जिसके पास एक प्रॉपर 100% इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वो बंदा कभी भी आपके सामने नहीं टिक सकता। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। और यदि मेरे कोई दोस्त, मैं पुनीत सर को यहाँ पे माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा कुछ सेकंड के लिए, यदि पुनीत सर आप अपने कुछ चंद वर्ड्स रख पाए और सेशन को वाइंड अप करना चाहें, तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज पुनीत सर वेलकम है सर, प्लीज गिव मी 1 or 2 seconds, 1 or 2 minutes यदि आपके पास है, तो इसको फिर वापस हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू जी, इट्स अप टू यू पुनीत सर, थैंक यू। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं कहीं बाहर था। नॉट एनी सर। सो थैंक यू वेरी मच नीलेश जी, बहुत ही अच्छा अल्टीमेट आपने सेशन दिया, राइट। और कहीं ना कहीं जो आपने चीजें बताई और बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, नो यहाँ पे फेक मोटिवेशन ऐसा कुछ भी नहीं, और यही चीज आपकी अंदर से सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आज जो आप अच्छे लोगों को अपने साथ ला रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहे हैं तो रीजन क्या है कि आज जो आप अच्छे लोगों को ला पा रहे हो ना, इसके बाद जैसे कई लोग हमारी टीम में बोलते हैं सर अच्छे लोगों को कैसे लेकर आए, लीडर्स को कैसे लेकर आए, तो देखिए कोई अगर आप इंटेलेक्चुअल लोगों को लेकर आना चाहते हैं और अच्छे माइंडसेट के, लीडरशिप माइंडसेट के लोगों को लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बच्चों को तो मोटिवेशन में ला सकते हो, मगर एक मैच्योर लीडरशिप को आप मोटिवेशन पे नहीं लेकर आ सकते, मैच्योर लीडरशिप को आपको फैक्ट्स एंड फिगर पे ही ला सकते। तो आज आपने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर और बहुत सारे तथ्यों के ऊपर बात करी, मंथन किया, और जिससे कि हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमने बहुत ही, जो ये हमारा बाय चांस नहीं बाय चॉइस जो हमने कंपनी चूज करी वो एकदम राइट डिसीजन हमने लिया। कंपनी एकदम बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, प्लान बहुत बढ़िया है, बस अब हमें बढ़िया होके दिखाना है, राइट। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी नंबर वन है, प्रोडक्ट्स नंबर वन है, हमारे जैसी कंपनी का बैकग्राउंड है पूरे वर्ल्ड में आपको कोई कंपनी का मिलेगा नहीं, हमारी जैसी कंपनी का प्रोडक्ट और उसकी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास मिलेगी, हमारे जैसा कंपनी का मार्केटिंग प्लान पूरे वर्ल्ड में किसी के पास मिलेगा नहीं। कंपनी नंबर वन है, प्रोडक्ट नंबर वन है, सिस्टम नंबर वन है, और टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, अब हमें नंबर वन बन के दिखाना, राइट। आज बात हो रही थी हर्बल लाइफ की ना, तो हर्बल लाइफ के बारे में अभी मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में जिन लोगों ने इस कंपनी को 19 साल 20 साल पहले शुरू करा, आज वो 80 लाख रुपए 50 लाख रुपए 30 लाख रुपए महीना कमा रहे, राइट। तो मैं सोचता हूँ चले यार, वो तो 19 साल बाद पहुंचा जब लोगों को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की अवेयरनेस नहीं थी, राइट, तब उसको 19 साल लग गए 80 लाख रुपए पहुंचने में, ठीक है, जब लोगों को नेटवर्किंग का ज्ञान नहीं था, लोग नेटवर्किंग को चेन सिस्टम समझते थे, मेंबर स्कीम समझते थे, तो उसको 19 साल लग गए अपने आप को प्रूफ करने में। मैं कहता हूँ हमें कम से कम भी, अगर मैं 9 साल भी ले लूं, 10 साल भी ले लूं, और मैं अगर 50 लाख पे भी पहुंच जाऊं, तो मैं मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन लिया, राइट। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस बिजनेस को वही लोग कर सकते हैं जिनकी प्रेडिक्शन है, जो फ्यूचर देख सकते हैं, विजनरी है, वही इस बिजनेस में टिक सकते हैं और लंबे समय तक वही हमारा साथ दे सकते हैं। और जो लोग बीच में कहीं ना कहीं होशियारपुर पे उतर जाते हैं, रायपुर पे उतर जाते हैं, क्योंकि अमीरपुर से गरीबपुर जाती है, दुखपुर से सुखपुर जाती है ये ट्रेन, मगर बीच में रायपुर और होशियारपुर कई लोग उतर जाते हैं,
जो लोग उतर गए वो बाद में क्या करेंगे, हमारी कहानियां ही मार्केट में सुनाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी अपना ऐसा काम करना है कि हमें इतिहास रचना है जिससे कि आने वाली जनरेशन हमारी स्टोरीज लोगों को सुनाए, राइट। तो सबसे बड़ा काम है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको पीएम इंटरनेशनल की जब हिस्ट्री देखी जाए, यार कौन सा कंपनी को आज इंडिया में 10 साल हो गए, राइट, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे कंपनी को आने वाले 6 साल 7 साल बाद 2025-28 तक कंपनी को 10 साल हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि जब 10 साल कंपनी का एक होगा तो मैं कहाँ पे होऊंगा, मेरा इनकम लेवल क्या होगा, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर तो कम से कम भी 500 करोड़ हो जाएगा जो मुझे नजर आता है। चलो 500 नहीं होता, 250 करोड़ हो जाएगा। तो 250 करोड़ अगर हो जाएगा और आज अगर हम लोग इसमें टिके रहे, लगे रहे, दिक्कत परेशानी में एक से एक हाथ से हाथ मिला के चलते रहे, तो यार ये जो 250-300 करोड़ का टर्नओवर होगा ये किसके नीचे होगा, हम लोगों के। तो मैं भगवान से ज्यादा नहीं बोलता कि साल का 250 करोड़ में से 10% मिल जाए बहुत, मुझे ज्यादा बड़ा लालच नहीं है, यानी कि 2.5 करोड़ ही मिल जाए बहुत साल के। तो आप सोच सकते हो अगर साल के 2.5 करोड़ तो महीने की एवरेज इनकम कितनी, ठीक है ना। तो ज्यादा लालच मैं करता नहीं, मैं सिर्फ 5-10% पे ही सोचता हूँ, मुझे तो ज्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए, तो ये सबसे बड़ी चीज क्या कि अभी हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है। कंपनी अमीर बनेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर अमीर बनेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अभी हमें कंपनी को लेके, और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग 70 के बीच में अभी इस समय हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ से समुद्र किनारे मोती निकालने आए, जो घूमने आए थे, टहलने आए थे और कुछ नज़ारे देखने आए थे, वो तो निकल गए, जो मोती निकालने आए वो अभी भी हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो पीएम इंटरनेशनल का एज ए कैरियर लेके चलते हैं, मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए VRPM, है ना, VRPM, यस IMPM एंड VRPM, राइट। तो VRPM, राइट। तो यस, हम प्रीमियम है मेरे भाई, हम लोकल नहीं है, हम लोकल को ग्लोबल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आज ग्लोबल हमारे कदमों में पड़ा हुआ लोकल बनने के लिए, ठीक है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आज आपके लोकली आपके इलाके आपके पास है, आपके कदमों में, राइट। VRPM, जी हाँ। सो थैंक यू वेरी मच VRPM। और यहाँ पे प्रीमियम लीडरशिप चाहिए, प्रीमियम ब्रेन चाहिए, प्रीमियम एटीट्यूड चाहिए। अगर आप प्रीमियम ड्रीम देखते हैं, प्रीमियम ब्रांड चाहते हैं, प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो भाई प्रीमियम ब्रांड में ही काम करना पड़ेगा। लोकल ब्रांड चाहते हैं, लोकल ड्रीम है, तो भाई लोकल काम तो बहुत चल रहे हैं मार्केट में। सो थैंक यू वेरी मच एंड यस VRPM एंड वी आर हेयर फॉर फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच नीलेश जी फॉर द वंडरफुल सेशन। और आज वैसे आप स्मार्ट लग रहे हो काफी। आज मैंने चलो एक फनी बात बताऊं, मैंने $13 का मैंने आज शर्ट खरीद के लाया, $13। यूरो में कमा के डॉलर में खर्च करने मजा आता है। चलिए एनीवे, भैया आपको भी अपलाइन को भी गिफ्ट कर दिया करो। ओए होए होए सर, आपके लिए दिल हाजिर है, बताओ कब से। ठीक है, मुनान जी भी हैं। हाँ, सो एनीवे राइट, थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू सो वेरी मच। और एक बार मैं मनान सर को भी कहना चाहूंगा, प्लीज मनान सर, यदि आप मुझे 1 मिनट अपना दे सकते हैं तो प्लीज ओपन योर माइक एंड आप अपना आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा रिव्यूज दीजिए, जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर। मनान सर सर इज नॉट इन मीटिंग, सो मैं एक कुछ रिव्यूज लेना चाहूंगा। मिस्टर अंकित जी, कैसा रहा सेशन आज का? आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सर? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। काफी अल्टीमेट सेशन था, सिंपल सी चीज बोली जाती है कि यहां पर ना फ्यूचर दिखता है अपना, राइट है, कि एक एक चीज छोटी छोटी क्लियर हो रही है। अगर इस सेशन के अंदर अप्रोक्स 85 पीपल्स थे स्टार्टिंग में, तो 85 पीपल्स से 65 पीपल्स के समथिंग रह गए, राइट ना। तो अगर जो पर्सन आज इस सेशन को एक एक पॉइंट अगर इसका क्लियर करके देख रहा है ना, तो मैं भी आज उसको पैसा ना आ रहा, पर आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर लेके चलेगा तो मैं आपको इतना श्योर मैं खुद हूँ कि इससे बहुत तगड़ा अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, राइट है ना। बहुत अच्छी लेवल पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से पर्सन आपको मिलेंगे कि बोलेंगे नहीं चलेगा भाई ये हो रहा, बहुत से आपके साथ आगे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर आगे चले जाएंगे, नेगेटिव भी करेंगे, पर आपको खुद देखना है कि सर ने एक एक पॉइंट क्लियर किया, राइट है। बोलते ना किसी जब कोई इमारत बनना स्टार्ट होती है तो उसकी ना नींव मजबूत होती है, राइट है। तो ये पीएम इंटरनेशनल की ना नींव है, जो एक एक पॉइंट बताया एक नींव है, आप इसको
इसको लेके जो फिगर एंड फैक्ट है इसको लेके आप किसी भी अच्छे से लीडर के पास जाके बैठेंगे, आपको टोटल चीज की पर्सन को सामने वाले को क्लियरिटी करा सकते हैं, आप कभी उसे हार नहीं सकते राइट। बट इस चीज की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। तो सर ने बहुत ही अच्छा अल्टीमेट सेशन दिया, बहुत ही एक एक पॉइंट क्लियर कर, एक एक पॉइंट की नॉलेज दी है राइट। तो मैं कहना चाहूंगा बहुत अल्टीमेट सेशन है, तो बाकी फोकस करें लर्निंग के ऊपर, क्योंकि विदाउट लर्निंग यहाँ पर अर्निंग नहीं होगी। तो एक एक चीज की लर्निंग होगी तो ऑटोमेटिक अर्निंग आना स्टार्ट होगी ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर अगेन। वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, कल एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू आइडियाज पे, एक न्यू माइंडसेट के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली में रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जिसने भी आज आपको इन्वाइट किया है